एक्वायरिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ अदर पीपल ये एक बहुत ह्यूमन टेंडेंसी होती है right? राइट हम हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करते हैं हम, हम, हम उनकी कुछ हैबिट्स को या उनकी कुछ पर्टिकुलर एनी थिंग हम उनको इनहेरिट करते हैं हम उनको एक्वायर करते हैं right? राइट तो क्या जब हम कुछ क्लास uh, बनाते हैं तो क्या हम उसके अंदर भी ऐसा कुछ कर सकते हैं या ऐसा भी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है या अवेलेबल है जिससे हम हमारे कोड को वापस री यूज़ करें या हम उसको री यूटिलाइज कर लें सो हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू डब्ल्यू एस टेक आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपके ऊपस के प्रिंसिपल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इट इज दी स्ट्रॉगेस्ट पिलर एक्चुअली क्यों है ये स्ट्रॉगेस्ट पिलर इसको आज समझेंगे हम लोग इनहेरिटेंस की प्रोग्रामिंग पे हम जाएँ उससे पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो uh, कहते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट कह सकते हो या इसकी एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि एक्चुअली में इनहेरिटेंस होता क्या है तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है या दूसरे पेरेंट की ऑब्जेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है यानी आपके पास एक पहले से क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट है अब आपने एक दूसरी क्लास बनाई उसका एक ऑब्जेक्ट है तो वो फर्स्ट क्लास जो आपने पहले बनाई उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर रहा है लैट सपोज एक बहुत जनरल वे में बात करते हैं तब जब हमने उपस के प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी जब हमने उसके पिलर्स के बारे में बात की थी तो हमने एक चीज़ बोली थी कि उप्स के प्रिंसिपल्स में हम लोग बोलते हैं कि कोड की री बहुत इंपॉर्टेंट होती है रीयूजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होती है क्योंकि एक ही कोड को अगर आप मल्टीपल टाइम्स लिख रहे हो तो फिर उसका सेंस क्या हुआ कोडिंग का आपका एसेंस वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि अगर आपको एक ही कोड को दस बार लिखना पड़ रहा है हम कोडिंग क्यों करते हैं कि जो हमारा लेंदी जो टास्क होता है हम उसको छोटे छोटे में क्यों डिवाइड करते हैं सो so दैट जो आपका टास्क है आप उसको ईजीली अकम्पलिश कर सको और उसको चेक करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो हम बोलते हैं कि हमारे पास अगर कोई पहले से चीज़ अवेलेबल है तो क्या मैं उसको वापस री नहीं कर सकती राधा दिन मैं एक नई क्लास बनाऊँ तो जैसे लैक सपोज़ मुझे एक प्रोग्राम करना है मुझे एक एम्प्लॉय का करना है बैंक की बात करते हैं तो बैंक में मेरे पास एक अकाउंट होता है तो अकाउंट में मेरे पास सारी डिटेल्स होती है उसमें मैंने पर्सन की सारी डिटेल्स दे दी अब हो सकता है कि मुझे एक नया अकाउंट खोलना है मे बी दैट इज अ डिफरेंट अकाउंट लेट सपोज मुझे वो एफ अकाउंट खोलाना है या मुझे एक रिकरिंग अकाउंट खुलाना है कुछ भी खुलाना है तो मैं जो मेरा पहले से अकाउंट डिटेल्स सेव्ड है मैं उसके अंदर से मेरी बाकी की सारी डिटेल्स ले लूं क्यों मैं वापस से सारा डिटेल्स लूं और क्यों मैं वापस से वही प्रोसीजर फॉलो करूं तो यानी कुछ प्रोसीजर या कुछ पर्टिकुलर थिंग्स पहले से एग्जिस्ट करती है आपको कुछ नया ऐड करना है तो आप पुराना वाला यूज़ करके उसके अंदर हम कुछ नया ऐड करेंगे सो दैट इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज इनहेरिटेंस दैट इज पहले से आपके पास कुछ कोड पड़ा है पहले से आपके पास एक क्लास है उसके अंदर कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स और कुछ फंक्शंस है आप नई क्लास बनाते हो वो नई क्लास पुरानी क्लास को इनहेरिट करेगी तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करेगी इन केस अगर उसको अपना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो ऐड कर सकती है कहने का मतलब ये होता है इस पर्टिकुलर चीज को समझने का मतलब ये होता है कि आपने एक क्लास बनाई है ए ठीक है और आपने एक क्लास बनाई है बी क्लास ए के पास खुद के कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स है कुछ प्रॉपर्टीज है क्लास बी को ये सारी की सारी एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टी यूज करनी है तो ये इसको इनहेरिट कर लेगी और अपनी इसको जो भी प्रॉपर्टीज ऐड करनी है ये वो ऐड कर लेगी दैट मीन्स आप, आपको कोड थोड़ा कम लिखना पड़ेगा रैदर देन राइटिंग द इंटायर कोड अगेन आपको थोड़ा सा कोड ही ऐड लिखना पड़ेगा बाकी का सारा आपने एज इट इज उसको इनहेरिट कर लिया सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज इनहेरिटेड आप इसको री कर सकते हो सी आप एक्सटेंड भी कर सकते हो मॉडिफाई भी एट्रीब्यूट उनके बिहेवियर के उनके साथ आप एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज जो भी एड करना चाहते हैं आप वो सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे ऑल्सो द क्लास इज मेंबर्स ऑफ द क्लास इज कॉल्ड एज क्लास एंड द क्लास हुज मेंबर्स आर कॉल्ड एज द बेस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिराइव्ड क्लास और बेस क्लास का मतलब क्या होता है डिराइव्ड क्लास का मतलब जैसे क्लास बी ने कुछ प्रॉपर्टीज क्लास ए की एक्वायर की तो क्लास बी आपकी क्या हो जाएगी डिराइव्ड क्लास हो जाएगी और जो क्लास ए है वो आपकी क्या कहलाएगी बेस क्लास जैसे यू हैव पेरेंट्स एंड देन यू हैव चाइल्ड चाइल्ड वन एंड चाइल्ड टू तो चाइल्ड वन और चाइल्ड टू होंगे ये आपके क्या कह रहेंगे इनको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्लास और पेरेंट्स को हम क्या बोलेंगे बेस क्लास क्लियर सो दिस इज समथिंग विच इज अम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन योर इनहेरिटेंस दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि एक तो आपकी बेस क्लास क्या होती है और एक आपकी डराइ क्लास क्या होती है अब इनहेरिटेंस को कब यूज़ करना है दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा इनहेरिटेंस समझ में आ गया लेकिन इसको यूज क्या करना है तो लेट सपोज आपको एक कोड बनाना है जिसके पास आपके पास तीन क्लासेस है क्लास बस है कार है और ट्रक है तीनों क्लासेस के अंदर आपके पास कुछ फंक्शंस है कॉमन फंक्शंस जिसको हम बोल सकते हैं उनका फ्यूल का कितना अमाउंट है कितनी कैपेसिटी है और कितना ब्रेक्स आई मीन अप्लाई ब्रेक्स ये तीन बेसिक फंक्शंस है जो आपके तीनों क्लासेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और एक आपके पास तो आप क्या करोगे आप क्लास बस का भी पूरा कोड लिखोगे फिर क्लास कार का भी पूरा कोड लिखोगे और फिर क्लास ट्रक का भी पूरा कोड लिखोगे नाउ इमेजिन द लेंथ ऑफ द कोड यानी तीन क्लास होंगे आपके पास आप इन तीनों क्लासेस के इंडिविजुअल फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करोगे प्लस इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ हो सकती है हो सकता है तीनों फंक्शंस का कोडिंग सेम हो तीनों फंक्शंस का पार्ट भी सेम हो तो एरर रिमूवल में भी दिक्कत आ सकती है एक में आपने कुछ लिखा एक में आपने कुछ लिखा और तीसरे में आपने कुछ और ऐड किया तो यानी एरर रिमूविंग आपका रिडेंडेंसी यानी मल्टीपल टाइम्स आप एक ही डेटा को बार बार लिख रहे हो दैट इज कॉल्ड एज रिडेंडेंसी तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं आपको हिंडर दे रही है आपको कहीं ना कहीं वो रोक रही है आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में और बहुत सारी दिक्कत आती तो वॉट डू वी डू हम एक क्या करते हैं हम एक क्लास बना देते हैं व्हीकल उस व्हीकल के अंदर मैं ये सारे के सारे फंक्शन एड कर देती हूँ जैसे आपका फ्यूल अमाउंट हो गया कैपेसिटी हो गया और आपने ब्रेक्स का लिख दिया अब आप क्या कर सकते हो क्लास बेस बस क्लास कार और क्लास ट्रक आप तीन क्लास बना के इनको क्या कर सकते हो इनको इनहेरिटेंस इनहेरिट कर सकते हो तो यानी ये जो आपकी क्लास होगी ये आपकी क्या हो जाएगी बेस क्लास हो जाएगी और ये जो तीनों क्लास है आपकी इनको अपन क्या बोलेंगे डिराइव क्लास ये आपकी क्या कहलाएगी डिराइव क्लास कहलाएगी डिराइव क्लास क्यों कहलाएगी क्योंकि क्लास बस अब इन तीनों प्रॉपर्टीज इन तीनों फंक्शंस को यूज़ करेगा और अगर उसको अपना खुद का कुछ ऐड करना है तो वो ऐड कर सकता है कार वाला भी इन तीनों को यूज़ कर सकता है और अपने उसको जो भी फंक्शन ऐड करने हैं या कुछ भी एट्रीब्यूट ऐड करने ये इजिली इसके अंदर एड कर सकता है सो वेन टू यूज़ ऑल दीज थिंग्स मतलब इनहेरिटेंस की यूज़ कहाँ होती तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ जो होता है वो होता है कोड रीयूजबिलिटी का कोड री का मतलब क्या होता है कि आपके पास मेम्बर्स है पेरेंट क्लास का है आप उसको यूज़ कर सकते हो तो आपको वापस अलग अलग रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सो so, अगर इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो आपने जैसे व्हीकल की क्लास बनाई तो आपने व्हीकल को दो में डिवाइड कर दिया ऑटोमोबाइल पुल्ड व्हीकल अब जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने व्हीकल्स में ऐड कर दी ऑटोमोबाइल्स वाला अपना कुछ ऐड कर सकता है पुल्ड वाला अपना एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर सकता है उसमें भी कार ने भी अपना कुछ ऐड कर लिया बस ने भी सो so, जो एक लेंथीनेस ऑफ द कोड होती है एक तो वो कम हो जाती है प्लस जो आपका कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आप उसको री कर रहे हैं रीयूजबिलिटी का यहाँ पर बहुत एक्सटेंसिव uh, यूज़ आता है तो जो एक्स्ट्रा थिंग्स है बस आपको वो ही यहाँ पर ऐड करनी पड़ती है लेट सपोज आपको पुल्ड व्हीकल्स में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है आपने ऐड कर दिया रिक्शा में कुछ ऐड करना है ऐड कर दिया तो बाकी उसको प्रॉपर्टीज यहाँ से और यहाँ से इजिली मिलती सो दिस इज समथिंग विच इज एन एडवांटेज एंड वेन टू यूज इन तो आपको ये चीज समझ में आती कि जहां मेरे को यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस बनानी है जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स uh, ऐसे हैं जो मेरी एक क्लास में एक्वायर करके तो हम क्या करते हैं वो एक क्लास बना देते हैं उसको हम बेस क्लास ले लेंगे बाकी सारी क्लास उसको क्या कर लेगी इन्हीरिट uh, कर लीजिए सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज योर इनहेरिटेंस अब इसके अंदर मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं यानी आप एक बेस जो चाइल्ड क्लास होती है या जो डिराइव क्लास होती है वो बेस क्लास को किस वे में इनहेरिट कर सकती है कौन से मोड में इनहेरिट कर सकती है तो इसके अंदर बेसिकली तीन मोड होते हैं आपके पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट तो एक इसको समझने का ये टेबल है ये आप इजिली रिमेम्बर कर सकते हैं यहाँ पर मैंने इजी एक टेबल में आपको मैंशन किया है कि ये जो है ये आपकी ये बेस क्लास है ठीक है अब बेस क्लास के अंदर तीन डेटा मेंबर्स होते हैं तीन डेटा मेंबर्स के टाइप होते हैं पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट तो पब्लिक है अगर आपने उस जो आपकी डिराइव क्लास है अगर उसने अपनी बेस क्लास को पब्लिक मोड में डिराइव uh, इनहेरिट किया है तो वो पब्लिक पब्लिक रहेगा प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रहेंगे और प्राइवेट प्राइवेट रहेंगे अगर उसने सी प्राइवेट डेटा मेंबर्स को तो हम वैसे भी क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते तो अगर आप लिख रहे हैं क्लास बी पब्लिक क्लास ए तो क्लास ए के जितने भी पब्लिक डेटा मेंबर्स होंगे वो क्लास भी इजीली एक्सेस कर सकता है जो प्रोटेक्टेड होंगे वो प्रोटेक्टेड मोड में ही आगे इनहेरिट होंगे और प्राइवेट वाले तो आगे इनहेरिट uh, होंगे ही नहीं तो प्राइवेट तो आप कहीं पे भी किसी भी सेंस में इनहेरिटेंस में भी इसको आगे इनहेरिट नहीं कर सकते हैं लेकिन पब्लिक को अगर आप पब्लिक में कर रहे हैं तो आप उसको इनहेरिट कर सकते हैं प्रोटेक्टेड में करेंगे तो प्रोटेक्टेड वो में इनहेरिट हो जाएगा और प्राइवेट में करेंगे तो सारे डेटा आपके ऑटोमेटिक प्राइवेट बन जाएंगे तो एक्चुअल में तीन डेटा मोड ऑफ इनहेरिटेंस आप ले सकते हैं या तीन वे में आप अपनी क्लासेस पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट तो पब्लिक में करेंगे तो आपके पास पब्लिक वाले एज इट इज जो भी डेटा मेम्बर्स होंगे आपके बेस क्लास के आप उनको यूज़ कर सकते हैं और जो प्रोटेक्टेड रहते हैं वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे प्राइवेट को आप नहीं यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टेड के अंदर अगर आप करेंगे तो जो भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड होते हैं वो भी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे प्राइवेट तो हम इन एनी केस इनहेरिटेंस के अंदर भी आप उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं और अगर आप किसी भी क्लास को प्राइवेट मोड में इनहेरिट कर रहे हैं तो जो उसके पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी आपके प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो नाउ दी चूजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मोड की हम कौन सा कहाँ और कैसे यूज करेंगे दैट विल टोटली डिपेंड ऑन दी कंडीशंस कि आप कौन से कंडीशन में प्रोग्राम बना रहे हो कैसे बनाएंगे डेफिनेटली वी विल लर्न तो आपको इन सब मोड्स का भी पता चल जाएगा एक होता है टाइप्स ऑफ इन्हेरिटेंस टाइप्स ऑफ इन्हीटेंस मीन्स हमारे पास कितनी टाइप्स की इन्हीटेंस वे या कितने वेज में हम हम उसको यूज कर सकते हैं तो आपके पास इन टोटल पाँच टाइप्स के इन्हेरिटेंस होंगे हम सारे प्रोग्राम्स के थ्रू समझेंगे और उनको प्रैक्टिकली देखेंगे भी सिंगल इनहेरिटेंस मतलब आपने सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट किया है मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक तो है आपकी डिराइव uh, क्लास तो है सिर्फ एक लेकिन बेस क्लास आपके पास बहुत सारी है हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंस मल्टी लेवल इज लेवल यानी लेवल इज बेसिकली अगर आप इसको समझेंगे वन से टू टू से थ्री थ्री से फोर इट्स अ लेवल काइंड ऑफ इनहेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस इनिटेन्सो इन दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस uh, देखना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम इनको करेंगे तो शायद थोड़ा सा uh, एक एम्बिग्यूटी आती है कि अरे ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ बट वी विल लर्न ऑल ऑफ दीज इनहेरिटेंस वन बाई वन अलॉन्ग विद दी सेट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑल्सो कुछ में हम मोड भी चेंज करेंगे एक्सेस मोड चेंज करेंगे कहीं पर पब्लिक करेंगे कहीं पे प्राइवेट करेंगे सो दैट विल बी डेफिनेटली द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर लेक्चर कैसे डिराइव करना है एक क्लास कैसे इन्हेरिट करती है तो ये इसका हमने यहाँ पे सेंटेक्स ऑलरेडी डिफाइन किया है तो जैसे मेरे को अगर मेरे पास एक क्लास है बी ठीक है अगर उसको क्लास ए को इनहेरिट करना है पब्लिक में तो आप लिखोगे पब्लिक और जो भी आपको लिखना है क्लास ए सो अगेन एंड देन यू कैन गिव द बॉडी एंड वॉट एवर फंक्शन अगेन दिस विल बी दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन बट स्टिल इनहेरिटेंस मतलब आप उस पर्टिकुलर किसी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहे हो प्लस आप अपना खुद का भी एड कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड इफ नॉट रिक्वायर्ड यू कैन वर्क विद दैट ऑल्सो तो एक एक जैसे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्ट होगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपके कोड रीयजिलिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है तो यहाँ पे हमारे कोड की जो रिडेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाती है प्लस आप उस चीज़ को री कर रहे हो तो एक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट एडअप हो जाता है यहाँ पे सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर विद दीज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अलॉग विद दी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन दैन प्लीज कीप लर्निंग एंड थैंक यू